नमस्कार आम शहर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस डीआरटीओ तथ्य लीक घटना आउ जणे महिला लिंक नहीं सूचना देला क्राइम ब्रांच महिला जनक जणे अभियुक्त 40,000 टंका नहीं परे फेराइले बम्बे दुई जन अकाउंट को जाइथिला टंका ममिता मेहर हत्याकांड को नहीं सरकार को ऊपर बरसिले विरोधी 314 ब्लॉक सम्मुखें मंत्री कुश पुतलिका जाप राज्य बीजेपी बीजेपी साधारण संपादक पृथ्वीराज हरिचंदन सांबादिक सम्मेलन कहले मंत्री इस्तफा न देवा जाए चलो आंदोलन कांग्रेस प्रश्न दोषी को खसाइबा पुलिस कर महालिंग कॉलेज अध्यक्षा ममिता मेहर हत्याकांड मामला जोर धरुछि ममिता को न्याय सह मंत्री को बहिष्कार दाबी ब्रह्मपुर विभिन्न संगठन पक्षर विक्षोभ और शोभायात्रा मंत्री विरोध में धारा 302 और 120 बी रे मामला रुजु करने को दाबी छत्रभंग दे कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र युव कांग्रेस कर्मी प्रतिवाद समय निजर रूट बदलाइले मंत्री रास्त गोड़ाइले कर्मी मंत्री हेले हटहटा जाजपुर धानमंडल जीआईटी कॉलेज रे छात्री आत्महत्या को नहीं चांचल्य सुसाइड नोट रे लिखिले मानसिक चापर कथा कॉलेज रो वार्डन और अध्यापकों भूमिका को नहीं उठला प्रश्न अभियोग परे भी चुप बड़छना पुलिस से किए पकाउछि चाप संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय छात्र छात्री धारणा रिएडमिशन फी वृद्धि प्रतिवाद आंदोलन विश्वविद्यालय अन्यान्य समस्या नहीं पिलां गर्जन वर्धित फी रे परिवर्तन न करिबा पर्यंत धारणा जारी रखा चेतावनी बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल रे रोगी सेवार विकल चित्र मेडिसिन वार्ड में नहीं बेड चट्टाण से शो चिकित्सित होती गुरुतर रोगी दीर्घ दिन अव्यवस्था पर भी समाधान दिगरे पदक्षेप नहीं मेडिकल कर्तृपक्ष अच्छा संपूर्ण खबर को डीआरटीओ तथ्य लीक घटना आउ जणे महिला लिंक नहीं सूचना देला क्राइम ब्रांच महिला जनक जणे अभियुक्त 40,000 टंका मांगिथिले एवं अभियुक्त जनक महिला देइथिबा बैंक अकाउंट को 40,000 टंका पठाइथिले पुणी महिला जनक अभियुक्त को टंका पठाइथिले टंका बम्बे दुई जणा पुरुष अकाउंट को पठा जाइथिला रहस्यमय महिला बैंक रे टंका डिपोजिट करी अभियुक्त को फेराइथिले बोली क्राइम ब्रांच सूचना देइछन्ते जड़े जो आम पांच जन गिरफ्तार से मितर जनक सांगे संपर्क स्थापन करते सी तक एरिया बोली परिचय से दुबई रे चाकरी कर संपर्क बढ़ला सी तु मान पैसा कि टंका मागिथिले अभियुक्त भितर जड़े सी तक दुईटी किस्ती है 30,000 10,000 40,000 पठाई थे बैंक अकाउंट अकाउंट ट्रांसफर करते अकाउंट ट्रांसफर कलापर से महिला जनक खूब शीघ्र से फेरदेवे और बैंक रे बैंक अकाउंट रे से कैश डिपोजिट तार दिन करदे तेणु एथेर आमर बम्बे जो दुई जन पाखक पैसा जाटा को आम तदंत को नहीं छु एवं कैश डिपोजिट कौ जगार होटा को तदंत कर ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे संतोष नाम रिपोर्टर जोड़े रही संतोष डीआरडीओ तथ्य लीक घटन आउ जड़े रहस्यमयी महिला लिंक थी जहां सूचना देखते ये पूरा सविशेष तथ्य कौन आसुची बड़ कथा हूँ पांच जन अभियुक्त जो गिरफ होते पूर्व जड़े युवक 38,000 टंका नेणदेण कथा सामना आसुला किंतु एबे क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडांकर जा सूचना रही जे पुणी थे आउ जणे अभियुक्त 40,000 टंका देइछंती आउ 40,000 टंका आनिछंती एवं सबुठ बड़ कथा हूँ जे ये युवती जनक हूँ संपूर्ण भिन्न बा अलग इतिपाई अलग जे पूर्वरु जणीय लोक भिन्न भिन्न उपाय भिन्न भिन्न फोटो देखा एक कन्फर्मेसन आसुला क्राइम ब्रांच पक्षर किंतु ये 40,000 टंका गोटे अलग आईडी रु अभियुक्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाई एक्सेप्ट कला चैटिंग होता से संपर्कियों से दुबई रे रुहंती चाकरी करंती आखपाख लोक जानती कहीकि बहुत जरूरी अच्छी त
ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କହିଥିଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 45,000 ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ 40,000 ମୋର ଜରୁରୀ ଅଛି, ମତେ ପଠେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଏବଂ ଏ 40,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ମୁମ୍ବାଇର ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30,000, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 40,000। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 18/4/2021 ଇଏ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ, 19 ଦିନ ସିଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲେ। କେମିତି ପଠେଇଲେ? ଯୋଉଠି ନିଜ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଥାଇପାରେ ବା ଆଉ କେଉଁଠୁ 40,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପିଂ ସାଇପର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦିଗ ହଉଛି ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେ ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ। ମୁମ୍ବାଇ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କିଏ କରିଥିଲା, କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେତେ ସମୟରେ କେତେବେଳେ କେତେଟା 500 ଟଙ୍କା, କେତୋଟି 1,000 ଟଙ୍କା, 40,000 ଟଙ୍କା ଯଦି କ୍ୟାସ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଡିଆର୍ଟିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସାମିଲ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ରହିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରେସମିଟ୍ ଉପରେ। कार्यकर्ताओं ने काम किया है, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो काम किया है वह सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण, और उसके बारे में भी वहाँ पे प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा कि जो कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लोगों की मदद की है और काम किए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो कोविड के वैक्सीन है, टीकाकरण है, 100 करोड़ से ऊपर वह पार हुआ है। देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है, उसके बारे में भी वहाँ पे आपको प्रदर्शनी में भी देखेगी और वहाँ पे एक होर्डिंग के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से वहाँ आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। यह बैठक लगभग 3 बजे तक चलेगी, सुबह से चलेगी और 3 बजे तक वह समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के द्वारा वहाँ पूरा होगा। देश भर के कार्य समिति के सदस्यों को जो इसमें भाग लेंगे उसमें उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अध्यक्षीय उद्बोधन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेगा, जिसके माध्यम से हम पार्टी को और नीचे तक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाए और पार्टी सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जा करके जनता के बीच में ले जाए, जिससे अधिक से अधिक उसका वो लाभ ले सके। यही मुझको कहना था। अगर आपका कोई विशेष होगा इस कार्य समिति के बारे में तो जरूर चर्चा हम करेंगे। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଜୋର ଧରୁଛି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ଆଜିଠୁ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣରେ ବସିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ନଭେମ୍ବର 6 ଓ 7 ତାରିଖ ଧାରଣରେ ବସିବା ପରେ 8 ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏହାସହ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବ। 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ଧାରଣା ଦେବ କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଯନ୍ତ୍ର ରମନ୍ତ୍ରଠାରେ ଧାରଣା ଦେବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରୋଶନ ରଥ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ହେଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ରହିବ?
देखो माधुरी निश्चित भाव में ममिता मेहर हत्या घटन आप देखिए पूरा राजनीति राज्य राजनीति एवं उठू पड़ू कारण जितेबाड़े राज्य राजनीति में वरिष्ठ मंत्री गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र सीधा सड़क इनवल्वमेंटर किसी फटो और भिडियो भाइराल होगा समय विरोधी बारंबार दावी करते मंत्री इनवल्वमेंट रोच तदंत ठीक भाव में होनी मंत्री तदंत को बाटबणा कर प्रथम गृह राष्ट्रमंत्री निज पदवी इस्तफा दिंतु ना मुख्यमंत्री गृह राष्ट्रमंत्री पदवी बरखास्त करूँ स्थिति में जितेबले ना मुख्यमंत्री ना गृह राष्ट्रमंत्री गणमाध्यम आगे मुह खोल नहीं कि विरोधी बर्तमान हल्लाबोल डाकरा देखते विशेषकर कांग्रेस जदि आम देखा दिल्ली जाए नवा को पूरा घटन बर्तमान अंटा भिड़ी आज एवं काली दुई दिन दिन राति राजभवन आगे अहोरत्र धारणा दिजिव कांग्रेस तरफ कांग्रेस जो मैंने युव कांग्रेस कर्मकर्ता मैंने अच्छा से मैंने राज्यपाल को साक्षात करेंगे एवं राज्यपाल को एक स्मारकपत्र देवे तापर दिल्ली जा दिल्ली जंतर मंतर से आंदोलन करेंगे राष्ट्रपति को पूरा घटन से मैंने एक स्मारकपत्र देवार कार्यक्रम रही तेणु क्योंटिना क्योंटि ओडिशार जो भी भाव में नारी निर्यातना विशेषकर ये जो ममिता प्रसंग में जो भी भाव में सरकार जड़े मंत्री इनवल्वमेंटर अभियोग दिल्ली राजनीति में हटचमत करने वर्तमान कांग्रेस अंट बढ़ी युव कांग्रेस सभापति आम सहित अच्छा प्रथम ताकू प्रतिक्रिया ना कौन कार्यक्रम रही पूरा घटना को आपड़ केमी देखुं जितेबाला मंत्री विरोध में अभोग आ पूरा घटन जदि आम देखा बर्तमान मुख्यमंत्री कलाहां जीवे मुख्यमंत्री कलाहां जीवे प्रोग्राम करेंगे कितु आपण मैंने गृह राष्ट्रमंत्री इस्तफा दबा अरे मुख्यमंत्री गले करेंगे कौन एटा चाप पकाउं से मैंने विटनेस मैंने तो प्रपर्ली जो मैंने अच्छा विटनेस को कैनवर करने चेस्टा करे कैप्टेन मिश्र से अच्छा होम मिनिस्टर से जदि इस्तफा नदे तो इनक्वारी हम कमी प्रपर्ली केते गुड़ाए समस्त गणमाध्यम समस्त देख सारे किए कौन कराई कौन कर सब ए टू जेड देख सारे ता बाहर भी कौन सी एक्शन ना इनक्वारी चली इनक्वारी चली कौनटा हम इनक्वारी से जदि न्याय दरकार ममिता मेहर को ताले आगे इस्तफा दिखु मंत्री तापर जाटा आरंभ जो करेंगे तार प्रसाद ठीक हो पारे दिल्ली जी जंतर मंतर धारणा देवे केते इफेक्टिव हम देखु आम पल्लू दिल्ली पर्यटन राजभवन राष्ट्रपति भवन पर्यटन ए लड़ई को ओडिशा प्रदेश युव कांग्रेस लड़ब एवं आम दाबी करुच्छू प्रथम दिन जो दाबी था से पर्यटन निरपेक्ष तदंत हो पार्वनी जेपर्यंत कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र गृह विभाग दायित्व अच्छा मंत्री अच्छा जेहेतु पुलिस विभाग तदंत कर ममिता मेहर हत्याकांडर से पर्यंत न्याय मिल पार्वनी तदंत निरपेक्ष पार्वनी जेपर्यंत गृह विभाग मंत्री निजे कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र अच्छा विरुद्ध में पुला पुला प्रमाण अच्छी तेणु आम दाबी करुच्छू तुरंत गृह राष्ट्रमंत्री बहिष्कार करा गिरफ करी तदंत परिसरभुक्त आंदोलन निश्चित भाव आगो को आंदोलन तीव्रतर है आशा प्रकट करिसेंती कांग्रेस रो जो माने बा युव कांग्रेस माने जो माने रहिसेंती से माने कोटना कोटी आशा प्रकट करिसेंती बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपनकर तमाम सूचना पाई परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा किंतु प्रथम नजर पकांतु बीजेडी रो प्रेसपेक्ट पर परिवार को भूली जाउचेंती एमती तो अनेक गुडे प्रसंग अछि जेतले महिलांकर पीड़िता महिलांकर इश्यू को से माने नेकी राजनीतिक को ओल्हेचेंती इलेक्शन समय रे किंतु मु आज दुईटा प्रसंग रे आपनको एग्जांपल दउचे गोटे होचि अत्यंत दुर्भाग्यजनक अत्यंत दुखदायक इतिश्री प्रधान इश्यू जो टिकरी होता एवं सेकेंडटा हूँ कुंदुली इश्यू आम इतिश्री प्रधान इश्यू रे डिटेलिंग को जीवा पूर्व आपण मानक गोटे विजुअल देखा से विजुअलटा देखी निपर आम इतिश्री प्रधान इश्यू रे आगे जावा निर्वाचन आसिले जुईर जलंता निरे राजनीतिर उष्मता बढ़ाती बीजेपी और कांग्रेस 27 अक्टोबर 2023 रायगड़ा टिकरी रे शिखयत्री इतिश्री राज्य सरकार को जे जत्ते बड़े टंका मांगू छंती निश्चित भाव रे एटा आपनकर अधिकार किंतु ता सांगरे नीति नियम जाणिकी भी नीति नियम अवहेला न करंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट रो ऑडिट रिपोर्ट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देबा पाई सबु राज्य बाध्य ओडिशा राज्य भी बाध्य नंबर टू बंधुगण 2005 रो एटा एक्ट अछि द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 रो सबु राज्य को कहा जाय छि जे जत्ते भी जिला सेतिकी ओम्बर्ड्स पर्सन हुवंतु
जिते भी ग्रीभांस अच्छी से जिले से ग्रीभांस शुणानी हम समाधान करा जीवो। बंधुगण दुखर कथा जे बारंबार ओडिशा राज्य सरकार को पंचायती राज विभाग को लेखिला परे भी कहिला परे भी प्रत्येक समीक्षा बैठक रे आलोचना हेला परे भी 30 जिल्लारू 22 जिल्लारे केवल ओम्बड्स पर्सन अछंती को परिप्रेक्ष्य रे काहे कि 30 जिल्लारे 30 जन ओम्बड्स पर्सन हे पारिनाहंती एटा होची द्वितीय कथा। एटा टिके आमे समस्ते जानिबा दरकार जो 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 सब नियम अच्छे मानवा को आमको पड़ब। बंधुगण तृतीय कथा होची सोशल ऑडिट। आमे चाहूँ कौन सी कार्यक्रम जो थे एत टा आसू केन्द्र सरकार 4,452 कोटी टंका आम राज्य को दे चिंता करूँ के टंका हेला जिते भी टंका आसू सुंदर भाव लोक पहुँचू कम हो ठीक समय रे काम हो किंतु आसिय परवर्ती खबर को ममिता मर्डर प्रसंग रे राज्य सरकार को बीजेपी रो बड़ प्रश्न आसंता 8 रे कलाहांटी गस्त को विरोध करिबो दल बीजेपी कहिछि कलाहांटी पासे भयभीत अछंती। ए समय रे मुख्यमंत्री कलाहांटी को राजनीति करबा को जाउछंती एटा राजनीतिर समय नुहे। बीजेपी ओडिशावासी को अपील करूछि मुख्यमंत्री को सामाजिक बाष्यंत करबा कलाहांटी रे मुख्यमंत्री को सामाजिक बाष्यंत करबो बोली बीजेपी घोषणा करिछि। ओडिशा रे जे कोनो स्थान को मुख्यमंत्री जिबे सेठारे मुख्यमंत्री को पाद देवा को दिजिव ना मुख्यमंत्री गाड़ी चक गड़ा दिजिव ना 8 तारीख ठार कलाहांटी जिलूर राज्य सारा मुख्यमंत्री सामाजिक बाष्यंतर कार्यक्रम आरंभ हो संपूर्ण अहिंसा नीति में कार्यक्रम हो 8 तारीख 314 ब्लक में मुख्यमंत्री और दिव्यशंकर मिश्रा कुशपुतलिका दाह कर बीजेपी। इतिश्री कहतु बेबिना कहतु माधवीलता कहतु कुंदुली से गरीब घर झीटे कहतु जाजपुर पीहू ठार नयागढ़ परी पर्यंत कौन से गोटे कथा रे सरकार न्याय दे पारिना सरकार मुक हो बस आज तो हाइट हो गला आज सबुठ जघन्यतम घटना घटला गोटे झील को मारिकी खंड खंड काटिकी टायर लगे पोड़ पोति सत्वे भी ओडिशा प्रदेश रो मुख्यमंत्री को मौन व्रत भांगुनी। ममिता प्रसंग रे राज्य सरकार को कांग्रेस रो प्रश्न मंत्री दिव्यशंकर मिश्र जे पर्यंत इस्तीफा देनहते से पर्यंत प्रतिवाद चलबो। पुलिस विभाग को मंत्री को मथरे सलासुतरा होची जोरदार प्रतिवाद करबा को कांग्रेस रो चेतावनी प्रेस मीट रे कडा चेतावनी देले कांग्रेस मुखपात्र निशिकांत मिश्र पुलिस तदंत रे लाकुना होची पुलिस विभाग और मंत्री को सलासुतरा होची मंत्री दिव्यशंकर इस्तफा न देवा जाए तदंत में स्वच्छता आसपे पुलिस डीजी अभय यह घटन चुप कहीं प्रश्न कांग्रेस दोषी को खसायबा को पुलिस योजना करलिस आईन फाक सृष्टि कर जवाब राज्य सरकार देवा उचित अभियुक्त को गिरफ्त करने 164 धारा मजिस्ट्रेट पाखे बयान रेकर्ड करने कथा जदि ताइना अति सांघातिक कांग्रेस दावी गृह राष्ट्रमंत्री इस्तफा दिंतु मुख्यमंत्री उत्तर रखत महिला विरुद्ध जेकोसी अपराध को जेकोसी थाना पंजीकरण करा जाए जो थाना अंचल रे घटना घटी से थाना को स्थानांतरित तदंत करने ए क्षेत्र में पुलिस ताना एवं परवर्त समय 13 तारीख पर जो अभोग 14 तारीख में मुख्य अभियुक्त बोलाउथिबा गोविंद साहू को पुलिस अटक रखी एवं 17 तारीख पर्यंत पुलिस ताको अटक रखी 27 तारीख में समस्त गणमाध्यम चर्चा हला से खसी गले किंतु से खसी जाई नहांती लीडिंग टू डिस्कवरी सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट लीडिंग टू डिस्कवरी को अवॉइड करने बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी अर्थात से जिलार एसपी डीजी एवं जहां विरुद्ध बारंबार अभियोग आसुची
गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर एक सलासुतरा प्रस्तुत बैठक रे लीडिंग टू डिस्कर्व्यू को अवॉइड करने 17 तारीख दिन खसईले 19 तारीख दिन ममिता मेहर मृतदेह उद्धार कला पुलिस एवं 19 तारीख ता परवर्त समय पुलिस गिरफ कला आईन कहि लीडिंग टू डिस्कवरी की फुल प्रूफ करने अभियुक्त घटनास्थल को जा चिन्हट कर देखे था ममिता मेहर समस्त तथ्य बाहर थे दंडित करिवारे कौनसी भी आईन साहय कर छत्रभंग देले कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र युव कांग्रेस कर्मी को प्रतिवाद समय निजर रूट बदलाइले मंत्री रास्ता कड़े गोड़ाइले कर्मी मंत्री हेले हटहटा एभली एक दृश्य एवं चर्चा को आसी विजुअल कलाहाटी होता कहुच्छे जो मंत्री को एभली विरोध सम्मुखीन होगा पड़ी ममिता मर्डर मामलें कैप्टेन अड़ुआ बढ़िवे लगी विरोधी आरंभ कर साधारण जनता मंत्री इस्तफा दावी कर महालिंग कॉलेज अध्यक्षा ममिता मेहर हत्याकांड मामला जोर धरुछि ममिता को न्याय सह मंत्री बहिष्कार दाबी आज ब्रह्मपुर विभिन्न संगठन पक्षर विक्षोभ कर मंत्री दिव्यशंकर कुशपुतलिका दाह कर संगठन कर्मकर्ता भारतीय विकास परिषद गंजाम जिला तरफ डीआईजी कार्यालय प्रतिवाद सभा कर ममिता मेहर हत्या पर दिव्यशंकर मिश्र दायी सत्वे दिव्यशंकर मिश्र को मंत्री पदर बहिष्कार विरोध में धारा 302 और 120 बी मामला रुजु कर गिरफ्त करने को दावी होशु तदंत को बाटबणा कर संबलपुर डीआईजी और बलांगीर एसपी विरोध में 120 बी मामला रुजु करने को दावी हो ममिता मेहर को न्याय दाबी रे जेंबुली भाबरे केवल जे राजनीतिक दल नुह विभिन्न संगठन पक्षर विशेष भाबे आंदोलन जारी रही आ विशेष भाबे जो आंदोलन रे शामिल होची भारतीय विकास परिषद ब्रह्मपुर दक्षिणांचल डीआईजी को कार्यालय निकट रे किसी समय पूर्व मुख्यमंत्री कुशपुतलिका दाह कर जे मंत्री दिव्यशंकर मिश्र जो संप्रतिर अभोग आसूँ गुरुतर दफा लगा जाऊ विशेष भाव मंत्री पदर बहिष्कृत करा गिरफ्त कराऊ ए दाबी रखी भारतीय विकास परिषद सीधा साल आलोचना करवा आम बर्तमान रही से ही दक्षिणांचल डीआईजी कार्यालय निकटे जो भाई भाव में राज्यपाल उद्देश्य जो दाबीपत्र प्रदान करेंगे किसी समय पर आज्ञा केमती देखुं ममिता मेहर घटना केवल जे राजनैतिक दल रमी जो भाव से ना आपण निकट जमी आपण संगठन आंदोलन को ओह्लाई आपणकर दाबी प्रमुख कौन आमर मुख्य दाबी है दिव्यशंकर मिश्र को तुरंत गिरफ्त करा जाओ तांको को बहिष्कार कर गिरफ्त करा जाओ इवन विभिन्न दलर विभिन्न दलर सांबादिक माने जेतिकी पेपर मध्यम सर्वसारा मध्यम जहाँ पब्लीश हो सेगुड़ा क्या अजणा छपा ना कि गोटे कथा मुख्यमंत्री कहीं आज पर्यटन चुप रही वर्तमान जो ममिता मेहर आज डीआईजी सामने जो विक्षोभ कर दोषी की तुरंत दंड देवाई ता सहित मंत्री आ सांसद विधायक अन्यान्य जो नाना प्रकार जो संपृक्त अच्छा ममिता मेहर दोषी भावे जो संपृक्त अच्छा तुरंत से गिरफ्त करा नचे आसंता दिन में सारा ओडिशा रे ए आंदोलन व्यापक होगापी आमर आपण मानकर प्रियतम 21 वर्षर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक भ्रष्टाचार एवं तर कुशासन कुपरिचालन जो आज प्रतिवाद कर डीआईजी समकरे कुशप्रतिलिका बाहर बर्तमान आसतु नजर पकड़ा बीजेडी प्रेस मीट पर ये भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल मैंने जो मैंने एत बड़ फैक्ट फाइंडिंग टीम पठाऊ से माने गोटे भी फैक्ट गोटे भी प्रमाण गोटे भी दस्तावेज एफिडेविट मध्यम से कमिशन ऑफ इंक्वायरी को देले ना कहीं देले ना एथपाई देले ना कारण से बीजेपुर उपनिर्वाचन सरी जाता निर्वाचन आगुरु डिमडिम पिटुले निर्वाचन सरीगला भूलीगले यूर स्पष्ट जमापड़ी कि जितेबाला निर्वाचन आसे भारतीय जनता पार्टी नारी मानक सुरक्षा विषय भारी चिंतित हो जाए भारी अपदस्थ हो जाती कि निर्वाचन सरीगला परे यही भारतीय जनता पार्टी जो माने सेते बले ए प्रकार जघन्य विषय गुड़ी को सस्ता राजनीतिकरण करी थांती से माने एगुड़ी का पासुरी जानती
एथिपाई मान्यवर आपण मानक सम्मुखरे आमे दुईटी वीडियो रखिथिलु गोटिए इतिश्री प्रधान विषय गोटिए कुंदुली घटना को लेकर यार अभिप्राय कौन थी यार अभिप्राय थिला कि ओडिशा रो जनसाधारण पाखे सत्यता रखिया पाई विगत किछि दिन हला जो प्रकार रो अपप्रचार मिथ्या अभिजोग एक जघन्य विषय को लेकर राजनीतिकरण सस्ता राजनीति यही जो विषय गुड़िक चली तार पर्दाफाश करिया पाई कि प्रकार भाव में यही भारतीय जनता पार्टी जेतेले समय आसे निर्वाचन आसे से बीजेपुर उपनिर्वाचन हो कि 2014 निर्वाचन हो सेतेबेले नारी सुरक्षा विषय बड़ चिंतित हो जाती बहुत बड़ राजरास्ता को आसती किंतु परवर्ती समय निर्वाचन सरीगला पुणी शयन निद्रा को चली जाती आम यहीटा प्रथम नुह आगामी दिन मानक विजु जनता दल ए प्रकार अनेक प्रसंग को लेकिन आसब आपण मान पाखक आपण मानम ओडिशार जनसाधारण पाखक कारण आम चाहूँ सत्य सामना को आसु जो मिथ्या सहित भारतीय जनता पार्टी किछि दिन हलाणि गति करूची से मिथ्यार अवसान घटु और विजु जनता दल विश्वास करे सत्यमेव जयते रे एही सत्यमेव जयतेर चिंताधारा सहित विजु जनता दल चली आसी आगुक मध्य चलिबो सत्यर सबळे विजय हम एवं असत्यर अंत घटिबो भारतीय जनता पार्टी असत्यर अंत अटिबो शेषरे मैं इति कहिया पै चाहे एही भारतीय जनता पार्टी अति अमानसिक कार्य करूची जेतेबेले सेमाने पीड़िता एवं तांको परिवार को व्यवहृत करिया को चेष्टा करूचंती निज राजनैतिक फायदा पाई एवं राष्ट्रीय स्तर रे एही प्रसंग को राजनीतिकरण करिकिरी ओडिशा एवं ओडिशार जनसाधारण को सेमाने निम्न करिया को चेष्टा करूचंती बदनाम करिया को चेष्टा करूचंती आमे आज आह्वान करूचु आज ए प्रेस मीट माध्यम रे भारतीय जनता पार्टी एवं विरोधी दल को जदि सत्साहस अछि तथ्य प्रमाण सामना को आनंतु आपणकर अनेक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाउचि जदि खंडिये फैक्ट से फैक्ट फाइंडिंग टीम को मिलूँ से खंडिये फैक्ट को आज्ञा आपड़ आणतु पुलिस पाखक आपड़ आणतु कोर्ट को निश्चय पर्दाफाश हम आपण फैक्ट फाइंडिंग टीम फैक्ट पाई जाऊना केवल सस्ता राजनीति जाऊँगी जदि फैक्ट था एत फैक्ट फाइंडिंग टीम आप गले एत वर्ष है खंडिये फैक्ट आज बाहर को आसला कि आसलानी आम शेष रखुचु असत्यर अंत घटिबो भारतीय जनता पार्टी असत्यर अंत घटिबो एवं विजु जनता दल जहाँ सत्य सहित ठिया होती तार निश्चय आगु को जीव ओडिशार जनसाधारण को बदनाम न करंतु ओडिशावासी को बदनाम न करंतु एवं राष्ट्रीय स्तर रे नेशनल नैरेटिव सेट करिया पई जो आपड़ सस्ता राजनीति करूचंती प्रसंग करिकिरी ओडिशा को बदनाम करूचंती सेतरो ख्यांत रहंतु निम्न मानर राजनीति छाड़ंतु समय सरिछि बुलेटिन को इठि रखुछु नमस्कार।